ये वाला लगेज में एक कंप्यूटर है और गैजेट्स वगैरह है। तभी गैस निकल चुका हूँ, अभी पहुंचा रानी पुल पे। देख सकते हैं तो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, सियारी। तो फर्स्ट सियारी जाऊंगा, सियारी में एक पीछे माल है कस्टमर का, तो माल गिरा के चलते हैं भेना का घर और उधर से मेरा लगेज उठा के सीधा रूम पे। तभी गाइस आ गया रूम पे और उधर से बैग बैग लिया बिना का घर से, और ये था मेरा लगेज। ये वाला लगेज में एक कंप्यूटर है और गैजेट्स वगैरह है, और एक लगेज है ये वाला, इधर भी कपड़ा है, ये लेके आ गया इधर। उधर बहुत दिन से पड़ा है और कंप्यूटर नहीं चलाने से ख़राब हो जाएगा, तो इसको नीचे शिफ्ट करूँगा, नीचे रख दूँगा। और सुभाष भाई अभी आया, आज 31 दिसंबर है, तो सुभाष दा जो आया, सब मिलके खाएंगे, मज़ा करेंगे। उधर ऊपर तो दुकान बंद है और देखते हैं कृष्ण भाई कपड़ा धो रहा है। और सुभाष दाजू भी कपड़ा धो रहा है, लेकिन एक दिक्कत है, 3-4 दिन से हम लोग कपड़ा धोते ही जा रहे हैं, कपड़ा जमा हो रहा है लेकिन सूख नहीं रहा है, यही दिक्कत है। धूप कम है और एकदम फॉगी वेदर है, देख सकते हैं। तभी गाइस बज गया दिन का 1 और हाँ, अभी तो काम नहीं है फिलहाल हम लोगों का, कस्टमर भी ज़्यादा नहीं आ रहे, तो हम लोग सोचा कि थोड़ा सा क्रिकेट खेलें। सुभाष दाजू बॉल लेके आया, मतलब ड्यूज बॉल तो नहीं मिला, ये वाला बॉल मिला है, तो देखते हैं, थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। खाना बना रहा है कृष्णा दाजू। तभी गाइस थोड़ा सा बैठ खेला और अभी खाने बैठा हूँ। सुभाष दाजू बनाया भात, मैं बनाया दाल, कृष्णा दाजू बनाया चटनी और सब्जी, और साथ में थोड़ा सा प्याज, तो खाते हैं मस्त। तभी गाइस बज गया शाम का 7 और काम ख़त्म हो गया, आज ज़्यादा काम नहीं था, और सब दोस्तों ने आया, सब दोस्तों ने मिलके आज मज़ा करेंगे, न्यू ईयर मनाएंगे। तो हम लोग क्या किया, उधर बाहर चूल्हा लगा के थोड़ा सा पिकनिक टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि घर का अंदर तो डेली बनता है, और बाहर थोड़ा सा हम लोग आज मनाऊंगा। और उन लोग गया, कृष्णा दाजू सुभाष दाजू उन लोग गया बाजार सामान लाने, और लाइटिंग वगैरह सब सेट किया बाहर, चलिए दिखाता हूँ। ऐसे रूम का बगल में लाइट सेट करके, एक पुराना वाला बैटरी था, बैटरी में कनेक्शन जोड़ के एक पुराना वाला मतलब लाइट लगाया, तो इधर हम लोगों का होगा। और गाइस हम लोगों का आज खास कुछ रेसिपी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है, तो आज बनेगा जीरा राइस और चिकन बनेगा, चिकन बारबेक्यू बनेगा, तो ये सब थोड़ा थोड़ा करके रेसिपी है, सब दोस्त लोग मिलके बनाऊंगा और न्यू ईयर मनाऊंगा। तो हम लोगों का कोई कुछ खास न्यू अरेंजमेंट नहीं है, तो ऐसे ही हम लोग बाहर जा नहीं पा रहे, छुट्टी नहीं है, इसलिए इधर ही मना रहे हैं।
रूम में भी बैठना पड़ेगा, इसलिए इधर ही मना रहे हैं। तो बीते हुए 2022 अभी तक चल रहा है, रात 12 बजे के बाद ख़त्म होगा। बीते हुए 2022 किसी का अच्छा गया, किसी का बुरा गया, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है एक कि नया साल आ रहा है 2023, उसको अच्छे से स्वागत करें और सब अच्छे से रहे। मतलब जो बुरा चीज़ हुआ, जो अच्छा हुआ, वो सब भूल के नया सफ़र शुरू करें। तो इसलिए सभी को मज़ा करना चाहिए और नया साल आने वाला, नया साल को वेलकम करना पड़ेगा। तो चलिए, हम लोगों का कुछ खास नहीं है, जो भी होगा शेयर करूँगा, जो भी दोस्त लोगों के साथ मौज मस्ती होगा और डांस वगैरह होगा, खाना वाना होगा, गाना सुभाष दा जो साउंड सिस्टम लेके आया, ज़्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत चलेगा ये साउंड सिस्टम। तो थोड़ी देर बाद एक दो घंटा तीन घंटा हम लोग मस्ती करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे और कल देखते हैं कहीं पर घूमने चलते हैं अगर मौका मिले तो। तो ठीक है, देखते रहिए ब्लॉग। तभी गाइस शुरू हो चुका है, हमारा खाना बनाना शुरू हो चुका है। तो आज का मतलब खाना बनाएगा टोटली सुभाष दाजू और देखते हैं कि आज क्या क्या रेसिपी होगा। तो चलते हैं किचन के अंदर। सुभाष दाजू स्टार्ट कर दिया। सुभाष दाजू आज क्या हो रहा है, मतलब क्या क्या होगा आज रेसिपी? आज चिकन रोस्ट होगा और उसके साथ में जीरा राइस होगा। तभी गाइस हम लोगों का खाना वाना बनाना स्टार्ट हो गया। सुभाष दाजू फर्स्ट बना रहा है जीरा राइस और देखते हैं किचन में जाके कैसे बन रहा है। तो चलिए, सुभाष दाजू खड़ा है, खाना बना रहा है जीरा राइस। क्या स्पेशल बन रहा है क्या? जीरा राइस। अच्छा, कैसे बनेगा ये जीरा राइस? तो नॉर्मली तो कैसे बनता है मैंने भी वो ध्यान से नहीं मालूम, बट मैं बनाता हूँ ऐसे ही। देखिए, जैसे कि मैंने इसमें अभी घी डाल दिया है, मेरा चावल रेडी है। बासमती राइस जो साइज में थोड़ा छोटा है, बट ये बासमती राइस है, मेरे पास यही था अभी स्टॉक में, तो मैं इसी से काम चला रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो आप इसमें देहरादून भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें गोविंद भोग भी यूज़ कर सकते हैं, केआरटी भी यूज़ कर सकते हैं, इग्नाइटर भी। गाइस ये टेबल और ओवन को थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि जगह भी शॉर्ट है और ऐसा है ना, टेबल एडजस्ट नहीं है हमारा, तो थोड़ा सा हाइट है सुभाष दाजू से, तो हो जाता है, फिर भी ज़्यादा चौड़ाई है इसलिए दिक्कत हो रहा है, पूरा गिर गया, तो ये थोड़ा अवॉइड करना। तभी गाइस जीरा राइस तो बन गया, अभी बाहर चलते हैं, चिकन का आइटम बनाना अभी बाकी है। अभी सुभाष दाजू बना रहा है पूरा फुल, मतलब वो मतलब जानता है खाना बनाना और ऐसे काम किया हुआ वो, तो बनाता है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है जीरा राइस का। और देखते हैं चिकन का आइटम क्या क्या हो रहा है, चल के देखते हैं। यो पाकी सके, खाली उसमें अब नींबू मिर्ची नहीं गिरा। तभी गाइस जीरा राइस बनाया सुभाष दाजू ने और उसके साथ चिकन रोस्ट और थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी अभी बनाएंगे, तो खाते हैं मस्त। तुम्हारा ही होगा। मैं
और गाइस फाइनली 12 बज चुका है, 12 बज के एक सेकंड फाइनली, मतलब बहुत तकलीफ हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत खुश भी हुआ सब, तो वो सब भूल जाते हैं, नया दिन का शुरुआत करते हैं 2023। और इधर सुभाष दाजू बैठा है। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। सुभाष दाजू हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। तो हैप्पी न्यू ईयर में हम लोग क्या कर रहे हैं? हैप्पी न्यू ईयर में अभी तक तो हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, बस अभी खाना खाएंगे सो जाएंगे। कल देखा जाएगा। मैं बोल रहा था ये सही है ना, 2022 में जो जो हुआ वो भूल जाते हैं, उसको भूल जाते हैं, एकदम नया से शुरू करते हैं, बहुत खुशी से उसको बुझा देते हैं, और जो आने वाला कल है उसको बहुत खुशी के साथ स्वागत करते हैं। तो आप सबका जिंदगी में भी प्यार भरा दिन रहे, और आप सबकी जिंदगी में खुशियाँ आए, बरकरार रहे, तो यही दुआ है मेरी आप सबसे। तो हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, और हैप्पी न्यू ईयर अंशुमन भाई। अभी खाना वाना खा के एकदम सोते हैं अभी, और क्या ब्लॉग एंड करते हैं इधर ही। तो आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं था, तो आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो कमेंट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।